सेक्टर 40 में सीवरेज ब्लॉकेज और रात के समय स्ट्रीट लाइट न चलना सबसे बड़ी समस्या है। निगम कमिश्नर बी पुरुषार्थ द्वारा लगाए गए जनता दरबार में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य और स्थानीय निवासियों ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिसे निगम कमिश्नर ने जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया और ऐसे जनता दरबार आगे भी लगाए जाएंगे की बात कही। नगर निगम की ओर से बुधवार को सेक्टर 40 के सामुदायिक केंद्र में जनता दरबार लगाया गया, जहां नगर निगम कमिश्नर बी पुरुषार्थ, ज्वाइंट कमिश्नर वीरेंद्र चौधरी, चीफ इंजीनियर एनपी शर्मा, एरिया पार्षद गुरबख्श रावत के साथ सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस जनता दरबार में लोगों ने सबसे अधिक सेक्टर 40 में सीवरेज ब्लॉकेज की समस्या और रात में स्ट्रीट लाइट न चलने की समस्या को उठाया। एरिया में ठीक तरह से सफाई न होना और पेड़ों की प्रूनिंग न होने की भी लोगों ने शिकायत की। खुद निगम कमिश्नर बी पुरुषार्थ ने लोगों को पेश आ रही समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द सुलझाने का भी आश्वासन दिया। नगर निगम की ओर से लगाए गए इस जनता दरबार की वहां आए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के स्थानीय निवासियों ने खूब सराहना की। पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हमेशा ही जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। लोग अपनी समस्या सामने लेकर आते हैं और समस्याओं का शायद निपटारा भी बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो हमने पहले भी दो ऐसे लगाए, ये तीसरा आगे भी लगाते रहेंगे। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है आकर जब लोगों की समस्याएं सुनता हूं, तो कोशिश होती है कि इनको वहीं पर निपटाया जाए या टाइम बाउंड तरीके से निपटारा किया जाए। कैमरामैन बलविंदर आर्या के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।